टचपैड से लैपटॉप को चलाते वक्त मुझे याद आता है कि माउस नाम की भी एक चीज होती है, जो कि मैंने अपने दोस्त के पास देखी है और उसे देखने के बाद मेरे भी माउस खरीदने की खुजली होने लगी बॉडी पर। तो फिर क्या था, मैं भी मोमोज के पैसे बचाने लगा और पूरे एक महीने बाद मैं कैपेबल हो गया उस माउस को खरीदने के लिए। फिर मैं भी गया अमेजोन पर और एक प्यारा सा गेमिंग माउस ऑर्डर कर दिया जिसकी 4.4 रेटिंग है। उसके दो दिनों बाद कोई मेरे गेट की बेल बजाता है, सॉरी कुंडी खटखटाता है, क्योंकि भाई हॉस्टल में बेल नहीं होती, समझे। गेट खोलते ही माउस मेरे हाथों में था और फिर हर एक यूट्यूबर की तरह मैंने तुरंत वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि मैंने सोचा कि पहले इस माउस को मैं खुद यूज करूंगा और फिर आप लोगों को रिव्यू बताऊंगा। तो पूरे 3-4 महीने यूज करने के बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और ये बॉक्स पहले ही खोल चुका हूँ, इसको यूज भी कर चुका हूँ। तो क्या, नाउ लेट्स एंजॉय द फेक अनबॉक्सिंग ऑफ दिस माउस। तो सबसे पहले मिलता है एक बॉक्स अमेजोन का, यस 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 यस, ये रैपर, ये बिल जो कि मैंने 3 महीने से संभाल के रखा है इस वीडियो के लिए। अमेजोन के बॉक्स के अंदर एक और बॉक्स, तो इसमें आपको देखने को मिलता है एक माउस, एक यूजर मैनुअल और एक वारंटी कार्ड। इस पे मैंने चाय का कप रखा था तो इस वारंटी कार्ड को, यूजर मैनुअल को और इस बॉक्स को रखता हूं मैं नीचे। तो अब बात करते हैं इस माउस की कुछ स्पेसिफिकेशंस के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं इस माउस के वेट की। इसे अपने हाथों से उठाने के लिए आपको जिम करना पड़ेगा, क्योंकि इसका जो वेट है वो ज्यादा है। भाई मैंने इसे किस लिए मंगाया, क्योंकि भाई मेरी बॉडी ज्यादा है, मैं इसे उठा सकता हूँ। इस माउस का वेट है 185 ग्राम, जो कि कहीं ना कहीं थोड़ा ज्यादा है बाकी सारे गेमिंग माउस से। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इट्स खूबसूरती, टेक्निकली बोले तो बिल्ड एंड डिजाइन के बारे में। तो ये मोस्टली राइट हैंडेड लोगों के लिए बनाया गया और इसके ऊपर एक रबर टाइप का मटेरियल यूज करा गया है। तो मेरी किस्मत की तरह ये भी ब्लैक कलर में आता है, बट कभी कभी कुछ रंगीन आ जाते हैं इस माउस में भी और मेरी जिंदगी में भी, अगर आप सब्सक्राइब कर देते हैं तो। लेफ्ट साइड में इसमें थंब रेस्ट के लिए दिया गया है और इसमें 8 प्रोग्रामेबल कीज दी हुई है, जिसको अभी थोड़ी देर में इसके सॉफ्टवेयर में देखेंगे डाउनलोड करके एकदम। और इसमें ब्रेडेड केबल दिया गया, जो कि कहीं ना कहीं इसका एक ड्रॉबैक है, क्योंकि जो ब्रेडेड केबल होते हैं वो थोड़ा हैवी होते हैं, उनका थोड़ा वेट ज्यादा होता है। और इसमें बैक साइड में एक ऑप्टिकल सेंसर दिया हुआ है। तो अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज की, जो कि गेमिंग में कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा यूजफुल है, मतलब कि डीपीआई और पोलिंग रेट। तो पोलिंग रेट का मतलब सिंपली ये होता है कि आपका माउस 1 सेकंड में कितनी इन्फॉर्मेशन भेज रहा है आपके पीसी को। अगर आप नॉर्मली गेमिंग करते हैं कभी कभी तो आपके लिए 500 हर्ट्ज पोलिंग रेट इनफ है, और अगर आप एक भयंकर गेमर है तो आपके लिए पोलिंग रेट बहुत ज्यादा मैटर करता है। इस माउस में आपको 12,800 की डीपीआई देखने को मिलेगी और मैक्सिमम 1,000 हर्ट्ज की पोलिंग रेट देखने को मिलेगी, मतलब अगर आप भयंकर गेमर है फिर भी आपका एकदम बढ़िया काम चलेगा। अब इसके बाद चेक कर लेते हैं इस माउस का सॉफ्टवेयर वाला पोर्शन। तो सबसे पहले आपको जाना है इनकी वेबसाइट पे एंटी स्पोर्ट और उसमें से GM320 ये वाला GM320 वर्जन 2 को डाउनलोड कर लेना है, जो कि ऑलमोस्ट 20 MB का है, और उसके बाद उसे ओपन करना है। तो जब आप उसे ओपन करेंगे तो वो कुछ इस तरह से दिखेगा। इसमें सबसे पहले बटन्स दी हुई हैं, जिसमें 8 बटन दी हुई हैं। फर्स्ट वन इज लेफ्ट क्लिक राइट क्लिक, जिनको आप कस्टमाइज नहीं कर सकते, लेकिन जो थर्ड है वो मिडल क्लिक ये वाली, इसको आप किसी उसमें चेंज कर सकते हैं। 13 ऑप्शन इसमें दिए हुए हैं। ऐसे सिमिलरली बाकी सब बटन दी हुई है। फोर्थ नंबर मतलब ये वाली डीपीआई लूप के लिए है, और फिफ्थ नंबर ये तुम्हारी लाइट के लिए, इफेक्ट्स के लिए। उसके बाद में सेवंथ और एट्थ बैकवर्ड और फॉरवर्ड के लिए, सेवंथ एट्थ के पास में एक दी हुई है 6, वो रैपिड फायर के लिए। तो इन बटन्स को आप कस्टमाइज कर सकते हैं। उसके बाद इसमें माइक्रो का ऑप्शन दिया हुआ है, जिससे आप कोई भी कस्टमाइज की बना सकते हैं। उसके बाद आते हैं फिर परफॉर्मेंस में सबसे पहले नंबर पे माउस सेंसिटिविटी दी हुई है, देन माउस के स्क्रोल स्पीड दी हुई है, उसके बाद डबल क्लिक स्पीड दी हुई है, और सबसे इंपॉर्टेंट पोलिंग रेट, मैक्सिमम 1000 का पोलिंग रेट दिया हुआ है, और ये डीपीआई कंट्रोल है जिसमें मैक्सिमम 12,800 डीपीआई दिया हुआ है। नेक्स्ट आते हैं बैकलाइट पे, तो इसमें 13 लाइट इफेक्ट्स दिए हुए हैं, जिनको आप इससे चेंज कर सकते हैं, या फिर माउस में एक बटन दी हुई है उससे भी चेंज कर सकते हैं, और इनको आप कस्टमाइज भी कर सकते हैं। ओके, ये डिफरेंट मोड दिए हुए हैं, कलर, ब्राइटनेस। और इस माउस में आपको 1 ईयर की वारंटी देखने को मिलेगी, जिसको आप एक्रोमा की वेबसाइट से या फिर ईमेल से क्लेम कर सकते हो, लेकिन केवल मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट, ना कि माउस को पानी पिला करके कंपनी में भेज रहे हैं वारंटी के लिए, ना भाई ना। और अब अगर बात करें रंगरलियों के, मतलब कि आरजीबी की, तो इसमें लेफ्ट साइड में 3 कटआउट प्रेजेंट है, और इसमें एक राउंडेड आरजीबी स्ट्रिप प्रेजेंट है, जो कि बिल्कुल एकदम मस्त इफेक्ट्स देती है। और इसमें डीजे नाइट के लिए 13 लाइट इफेक्ट देखने को मिलते हैं, जिसको आप इस बटन से कंट्रोल कर सकते हैं। तो अगर आप कंक्लूजन की बात करें कि आपको इसे खरीदना चाहिए या फिर नहीं, तो मेरे 4-5 महीने यूज करने के बाद इसमें सिर्फ एक ही ड्रॉबैक लगा, कि इसका जो वेट है वो थोड़ा ज्यादा है, बाकी सब बढ़िया है, लाइक क्वालिटी इसकी, कलर, ब्राइटनेस, परफॉर्मेंस सब बढ़िया, एकदम मस्त भाई, और इतने कम रुपए में भाई। बाकी अगर आपको मैकेनिकल कीबोर्ड खरीदना है तो ये वाली वीडियो देख लो। ओके, चलो फिर मैं चलता हूँ। माउस वगैरह खरीदो भाई, खरीदो, क्या कर रहे हो जिंदगी में। वैसे इस माउस का प्राइस तो बताया नहीं, तो इसका प्राइस है 569 रुपीज। यस, 69 पोजीशन नहीं भाई, 69 रुपीज।